जनपद सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फेरों के समय एक दुल्हन बोल पड़ी कि पापा हम इस नशेड़ी दहेज लोभी से शादी नहीं करेंगे, चाहे आप हमको जान से मार दें। जी हां, फेरों से पहले शराब के नशे में चूर दुल्हे ने दहेज की मांग की और हंगामा भी किया। यह सब देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। बताते चले कि सीतापुर के थाना सदरपुर में ग्राम बीनापुर में विष्णु कुमार नंद के घर रात विवाह के गीत गाए जा रहे थे, तभी बारात आने की सूचना मिली तो सभी बारातियों का स्वागत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार फेरे से पहले दूल्हे द्वारा दहेज में 10 ग्राम सोने की जंजीर की मांग की गई। शराब के नशे में दूल्हे व दूल्हे के पिता ने कहा कि पहले जंजीर तो नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे, और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए कि तभी दुल्हन घर के अंदर से निकलकर अपने पिता से बोली, आप हमारा गला घोट दो, लेकिन हम इस नशेड़ी व दहेज लोभी के घर कदापि नहीं जाऊंगी। नशे में धुत दूल्हा और बराती लड़ने लगे। यह देख लड़की ने शराबी दूल्हे से शादी न करने की गुहार लगाई, जिससे पिता ने मजबूरन दहेज लोभियों को बिना शादी किए दूल्हे व बरातियों को रुखसत कर दिया। बताते चले कि विष्णु कुमार नंद ने अपनी बेटी का रिश्ता अनोप पुत्र तीरथ रामनंद ग्राम गौरा गजनीपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी से तय किया था। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए संतोष कुमार वर्मा के साथ अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। आपकी शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं? हम नहीं करेंगे, लड़का जो है दारू पीता है, उनके पापा भी पीते हैं, और सब जितना सामान दिया गया था वो भी ले लें, और फिर भी सामान उतना आया नहीं है, ऊपर से दारू पीते ना धमकी करें। अच्छा, दहेज ज्यादा मांग रहे? हाँ। क्या क्या दिया है तुमने? कुछ नहीं दिया, उन लोग ने तो कुछ नहीं दिया, पूरा सामान था। हाँ भैया जी, तो ये शादी जो रुकी है किस वजह से रुकी है? हमका नहीं पता। आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं तो कुछ तो हुआ होगा। नहीं, हमका नहीं पता, हम बाहर बैठे ही बैठे हैं। बाहर ही बैठे थे? बाहर बैठे। हाँ भैया, आज ये जो बारात लौट रही है किस वजह से लौट रही है? रात लौटी थी इस वजह से क्योंकि आदमी जो है तो नंगा था, दूसरी बात सभी तो दरभंगा, और दहेज मांग देने पर भी अधिकतर मांगे। अच्छा, शादी आपने मना की है, लड़की ने? लड़की ने मना किया। लड़की ने मना किया।